फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके व्हाट्सएप की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रिबूट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इसमें आपको नीचे की साइड, ये मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, नीचे की साइड आपको ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे आना है और आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। एंड्रॉइड सिस्टम के इस पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका ये पेज आते से ओके करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम करना है क्या है, आपको देखिए अपने व्हाट्सएप को ना उंगली से दबा के रखना है इस तरीके से, तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है। इसमें आपको सर्कल के अंदर बना हुआ आई बटन टैप करना है, तो आपका ये पेज आएगा। इसमें आपको स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे क्लियर डेटा पे टैप करना है, आपका ये पेज आएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है क्लियर कैच पे आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका क्लियर कैच का पेज आएगा, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम करना है क्या, आपको अपने मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में आपको नीचे सर्च पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करिए। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में व्हाट्सएप लिख के सर्च करना है, तो आपका व्हाट्सएप आता है। देखिए व्हाट्सएप का सामने ओपन लिखा हुआ है मेरे फोन में। अगर आपके फोन में आपका ओपन की जगह अपडेट दिखाई देता है ना, तो आपको अपडेट पे टैप करके अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला काम करना यह है कि मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे नीचे की साइड इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।